एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, जिलिंगम में पैदा हुई थी, इधर इस कंट्री में बड़ी हुई थी। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मैं इधर पार्लियामेंट में होंगी, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड। मुझे तो मेरी वालदा तो बहुत ही खुश है, मुझे तो लगता है वो तो अभी भी रो रही है थोड़ा सा। बहुत प्राउड है कि उनकी एक लड़की। चंद दिन पहले होने वाले यूके इलेक्शन में एक नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लेबर पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुई हैं, नौशाबा खान। और उन्होंने एक पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी कैंडिडेट थे, उनके अपोजिट रहमान चिश्ती, जो इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो के एडवाइज़र भी रह चुके थे, उनको हराया तकरीबन 4,000 से ज़ायद वोट की लीड से। और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है। उनके वालदैन का ताल्लुक ओरिजिनली पेशावर और लाहौर से। हम एक ब्रिटिश पाकिस्तानी को हरा दिया। जी, मैंने ब्रिटिश पाकिस्तानी को हरा दिया, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए कंट्री कह रही थी हमको कुछ और चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, और इसलिए मैं जीत गई। देखो, सबसे बड़ी बात तो हेल्थ केयर है। बंदे कहते हैं कि हमको हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर को देखना है, और ये काम नहीं कर रहा इंग्लैंड में एट द मोमेंट। और दूसरी बात थी इकॉनमी। देखो, बंदे काम करते हैं लेकिन फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते खाना फूड पे टेबल पे रखने के लिए, और इस कंट्री में, इंग्लैंड में, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बंदे कह रहे थे हमको चेंज चाहिए। कंजर्वेटिव 14 ईयर्स के इधर बैठे हुए हैं और उन्होंने कंट्री को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके गया। क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत ही खुश थे। देखो, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, जिलिंगम में पैदा हुई थी, इधर इस कंट्री में बड़ी हुई थी। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मैं इधर पार्लियामेंट में होंगी, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड। मुझे तो कभी पॉसिबल नहीं लगा, उनको भी नहीं, तो वो तो बहुत ही खुश है। खास तौर पे आप बताएं, आपके वालिद तो जिंदा नहीं है, लेकिन आपकी वालदा का क्या रिएक्शन था जो आपके साथ रहती है? मेरी वालदा तो बहुत ही खुश है, मुझे लगता है वो तो अभी भी रो रही है थोड़ा सा। बहुत प्राउड है कि उनकी एक लड़की, उनकी बच्ची पार्लियामेंट में जाके रिप्रेजेंट करेगी अपने एरिया को और अपने फैमिली का नाम शान करेगी। नौशाबा, ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आई थी, किसने आपको इंस्पायर? मेरे वालिद ने मुझे इंस्पायर करा था। वो मुझे कहते थे जब मैं बड़ी हो रही थी कि सोशल जस्टिस के लिए कैंपेन करो, उन बंदों के लिए आवाज़ बनो जिनके पास आवाज़ नहीं है, और इसने मुझे मोटिवेट करा कि मैं को हाँ जी, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी और रिप्रेजेंट करूंगी और इक्वालिटी के लिए स्टैंड करूंगी। देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझमें पाकिस्तानी कल्चर, मुसलमान बनना और इक्वालिटी के लिए स्टैंड करना इंस्टिल करा था, और वही मैं आपके साथ एवरी डे लेके जाती हूँ। मेरी रिलीजन, मेरी बैकग्राउंड और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था और मुझे सिखाया था, बिकॉज अगर आप तुम वो फैमिली वैल्यूज़ के लिए साथ खड़े हो तो फिर पॉलिटिक्स में तुम सही चीज़ें करोगे। जो आप जैसी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी एथनिक माइनॉरिटी बैकग्राउंड की जो लड़कियां हैं, बच्चियां, मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मैं कैंपेन करूंगी। हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस, और हाउसिंग भी इस कंट्री में, बंदों को घर जैसे सेफ अकोमोडेशन में रहना रियली इम्पोर्टेंट है, और अपने एरिया के लिए जहाँ इतने ज़्यादा बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने उनके लिए खड़ा होना है और उनको आवाज़ देनी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कोई लड़कियाँ उधर देख रही है कि प्लीज़ जाके करो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, तुमको लगेगा कि पॉलिटिक्स हमारे लिए काम ही करता है, तुम उनको जाके मेक श्योर करो कि वो आपके लिए काम करें, जो इश्यूज़ आप केयर करते हो उनके लिए कैंपेन करो, और तुम्हारे लिए इधर जगह है। ज़िंदगी किस तरह बदली है? आज से चंद हफ्ते पहले तक आप MP नहीं थी, आप एक लोकल लेवल पॉलिटिशियन थी, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं। बहुत ही बिजी हो गई है। देखो, अभी तो मैं समझ रही हूँ कि क्या चेंजेस हैं, मुझे लगता है काफ़ी आएंगे। एक दो अभी तो दो हफ्ते हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आएंगे। लेकिन बिगेस्ट थिंग है कि अभी मैं पब्लिक आई में इवन मोर हूँ, जैसे पहले थी थोड़ा सा लोकली, लेकिन अभी नेशनल पब्लिक आई में हूँ, और काफ़ी सीखना है मुझे इस जगह में, और काफ़ी करना है, तो ओवरवेलमिंग है लेकिन ऑल्सो एक्साइटेड।